हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ वाटरमेलन की जूस, बट ये सिर्फ तरबूज का जूस नहीं है, इस पे मैंने ऐड किया है कुछ ट्विस्ट। समर का सीजन है और ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक आपका बॉडी को ही नहीं आपका स्किन को भी तरताजा कर देती है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जूस कैसे बनता है मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने तरबूज को कटिंग कर लिया और इसके अंदर से सीड्स निकल दिया और लिया मैंने 3 टेबलस्पून शक्कर। आप चाहते हो तो शक्कर को स्किप कर सकते हो। 1 टेबलस्पून चिया सीड्स, 1/2 टेबलस्पून नींबू का रस, थोड़ा सा पुदीने के पत्ते और थोड़ा सा काला नमक। सबसे पहले मैंने चिया सीड को 10 मिनट पानी में भिगो के रखेंगे। इसमें है ओमेगा 3, फाइबर एंड कैल्शियम। ये हमारा बोन स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करता है और शरीर को ठंडक पहुंचाता है। एक मिक्सिंग जार ले लेंगे और चिया सीड को छोड़कर सबको अच्छे से पीस लेंगे। वाटरमेलन में 92% वाटर प्रॉपर्टीज होते हैं, जो कि हमारे शरीर में पानी की कमी को दूर करता है, और होते हैं बहुत सारे विटामिन जो खून की कमी को दूर करता है और साथ में स्किन को भी अच्छा रखता है। सब कुछ मैंने डाल दिया, अभी इसको पीस लेंगे अच्छे से। वाटरमेलन को अच्छे से पीस लिया, अभी एक स्ट्रेनर से छान लेंगे। जूस में और टेस्ट लाने के लिए मैंने थोड़ा सा पुदीना पत्ता डाला था। पुदीना पत्ते में है बहुत सारे आयरन। ये जूस को मैंने अच्छे से छान लेंगे। जूस को मैंने अच्छे से छान लिया। इस जूस को आप लोग थोड़ा टाइम के लिए फ्रिज में रख सकते हो। जूस को सर्व करने के लिए 2 ग्लास ले लेंगे और उसके अंदर डाल देंगे जूस। मैंने जो चिया सीड को पानी में भिगो के रखा था 10 मिनट के लिए, वो सर्व करने के लिए रेडी हो गया। अभी मैं जूस के अंदर डाल देंगे 1 चम्मच करके चिया सीड्स। ये शरीर के लिए बहुत अच्छा है, शरीर को ठंडा रखता है और वेट लॉस करने में हेल्प करता है। डालने के बाद अच्छे से मिला देंगे। डाल देंगे कुछ आइस क्यूब और गार्निशिंग के लिए डाला ऊपर से पुदीना पत्ता और काटा हुआ वाटरमेलन। तो आप लोग देख लिया ना, मेरा रिफ्रेशिंग वाटरमेलन जूस रेडी हो गया। अरे पीने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताना। अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।